नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिव्यानी शर्मा। आज यानी 13 नवंबर को तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के नए रेट जारी कर दिए हैं। आज देश के कई राज्यों में ईंधन के भावों में बदलाव देखा गया है। आंध्र प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, त्रिपुरा और उत्तर प्रदेश में इजाफा हुआ है। वहीं मणिपुर, महाराष्ट्र, केरल, हिमाचल प्रदेश, गोवा, बिहार और अरुणाचल प्रदेश में राहत मिली है। ग्लोबल मार्केट में जो है कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट हुई है। ब्रेंट क्रूड 0.92% कटौती के साथ $80.68 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा है। वहीं WTI 0.96% कमी के साथ $76.43 प्रति बैरल पर पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में फ्यूल के रेट में बदलाव देखा गया है। प्रदेश में पेट्रोल 108 रुपए से लेकर 112 रुपए के बीच बिक रहा है। वहीं डीजल 97 रुपए प्रति लीटर के नीचे है। विदिशा में पेट्रोल पर 41 पैसे और डीजल पर 38 पैसे की वृद्धि हुई है। अशोकनगर में पेट्रोल पर 52 पैसे और डीजल पर 47 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। मंडला में पेट्रोल पर 1.07 रुपए और डीजल पर 98 पैसे की वृद्धि देखी गई है। सागर में पेट्रोल पर 75 पैसे और डीजल पर 68 पैसे का इजाफा हुआ है। बालाघाट में पेट्रोल पर 36 पैसे और डीजल पर 33 पैसे की बढ़ोतरी हुई है। इसके अलावा टीकमगढ़, सिंगरौली, शिवपुरी, सिवनी, सीहोर, मुरैना, खरगोन, झाबुआ, देवास, छिंदवाड़ा, बड़वानी और अशोकनगर में भी आज इजाफा हुआ है। रीवा में 19 पैसे की वृद्धि के साथ पेट्रोल 111.24 रुपए और डीजल 18 पैसे बढ़ोतरी के साथ 96.30 रुपए में कारोबार कर रहा है। उज्जैन में पेट्रोल की कीमत 19 पैसे गिरावट के साथ 109.09 रुपए और डीजल 17 पैसे की कमी के साथ 94 रुपए में बिक रहा है। अलीराजपुर में पेट्रोल पर 43 पैसे और डीजल पर 39 पैसे की कटौती हुई है। भोपाल में 36 पैसे की कमी के साथ पेट्रोल का भाव 108.29 रुपए तक पहुंच चुका है। यहां डीजल 32 पैसे की गिरावट के साथ 93.58 रुपए प्रति लीटर के भाव पर बिक रहा है। बैतूल, आगरमालवा, छतरपुर, गुना, होशंगाबाद, कटनी, खंडवा, रतलाम, सतना, और उमरिया में आज राहत मिली है। यह था अब तक का अपडेट। ऐसी तमाम जानकारी और अपडेट्स के लिए बने रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ।